चावल कम खाना अच्छा मेरे बेटा, कोल्ड ड्रिंक कम खाया मेरा बेटा, कोल्ड ड्रिंक तो पीता ही है। ठीक, चावल ठंडा और खट्टा ज्यादा था, ठंडा बंद कर दिया, सादा था बस, गर्म तो जरूरी नहीं, ठंडे में सादा पानी मिला के पी लो या गणेश पानी या ठंडा पानी है तो सादा मिला। क्या कहना है मेरा प्यास कैसी लग रही है उनकी वाइफ को? बस सर प्यास कम है कि ज्यादा है? हेलो गर्दन में स्टिफनेस भी लगती है, लगता है टाइट टाइट है, बहुत कड़ा कड़ा सा है, ऐसे गर्दन मोड़ने में दर्द होता है, चक्कर ज्यादा आंखें बंद करने भी आता है खोलने में, आंखें बंद कर लेती है, ज्यादा काम करने में दिक्कत होती है इसमें, बच्चे कितने मैं आरोग्यधाम से डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन और हमारे जो संस्थापक आरोग्यधाम के हैं आनंद मोहन, हम लोगों ने जो पंजाब केसरी परिवार से जो हमारे बीच स्वदेश चोपड़ा जी नहीं रही हैं उनकी सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। यह स्वास्थ्य शिविर सवेरे 9:30 बजे हमने शुरू कर दिया था और हम समझते हैं कि दोपहर 2:30-3 बजे तक चलेगा। हम लोग अभी 55 से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं। इस कैंप में हम लोग निःशुल्क होम्योपैथिक दवाई वितरित कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने डॉक्टर आरती मोहन ने देखा कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनमें वायरल डायरिया केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनमें जब पानी की कमी हो रही है तो उन्हें सनस्ट्रोक हो रहा है, उनका बीपी लो हो जा रहा है, उनको लाल लाल घमौरियाँ हो जा रही हैं और जितने भी ओल्ड एज में हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो एसी से धूप में जा रहे हैं, जबकि गले में खराश हो रही है, सीओपीडी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, उन्हें एलर्जी खांसी हो रही है, रात को लेटते हैं तो धूल धुआं डस्ट की वजह से जो मेट्रो में खुदाई हो रही है हमारे लंग्स में जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं एल्वियोलाई में सीटी बजने लगती हैं तो वीजिंग साउंड आने लगती हैं, इसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। कोविड का फोर्थ स्ट्रेन वापस ना आए हम लोग इम्यूनिटी की होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बांट रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें वायरल जनित बीमारियों का उपचार समझा हुआ है, चाहे वो वायरल निमोनाइटिस हो, वायरल डायरिया हो, वायरल गैस्ट्राइटिस हो, वायरल इंट्रोकोलाइटिस हो या वायरल गैस्ट्रो इंट्रोकोलाइटिस हो। हम लोग स्कैबीज है, इस समय मौसम बदल रहा है, मिजल्स, चेचक, खसरा काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, दांत खाज खुजली के हम लोग उनकी भी दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर आरती मोहन ने महिलाओं से संबंधित कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके मासिक धर्म में अनियमितता हो रही थी या जिनके ओवरी में तकलीफ हो रही थी या ओवरी में उनके सिस्ट थी तो हम उन्होंने लक्षणों के आधार पर अपने होम्योपैथिक दवाई दी। हम समझते हैं कि 100 से अधिक लोग इस निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य लाभ का फायदा उठाएंगे और स्वदेश चोपड़ा जी और पंजाब केसरी परिवार को हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आरोग्य धाम इसी प्रकार से पंजाब केसरी परिवार से जुड़ा रहेगा। आगे भी जब आवश्यकता होगी तो हम लोग निःशुल्क अपनी मुहिम को जारी रखेंगे और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है चाहे कोरोना हो या डेंगू हो, किसी की भी महामारी में मृत्यु ना हो। आरोग्य धाम का मुख्य उद्देश्य यह है कि सबका विकास, सबका साथ और सबका उपचार, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे योगी जी, इन सबका नारा है कि
कि हर एक को उपचार मिले। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग पंजाब केसरी परिवार के साथ जुड़ करके स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्य स्मृति में आगे भी निःशुल्क होम्योपैथी कैंप लगाते रहेंगे, जिससे जनमानस को बेहतर उपचार मिल सके और जनमानस स्वस्थ रहे। लगभग हम लोगों ने सुबह से 100 मरीजों का लगभग परीक्षण किया है, जिसमें से बच्चे, बूढ़ी औरतें और काफ़ी सारे जो भी यंग महिलाएं और पुरुष थे उनका हम लोगों ने परीक्षण किया। उसमें आजकल खांसी बुखार के मरीज ज़्यादा हैं, बहुत से एलर्जिक पेशेंट भी हैं जिनको सांस की दिक्कत है, छींके हैं, और जो महिलाएं हैं उनमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको बहुत एनीमिया के केसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। महिलाओं ने खान पान में जैसे अपने ध्यान नहीं रखती हैं तो एनीमिक भी हो जाती हैं, और इस तरीके से आजकल जो वायरल जनित बीमारियाँ हैं उसका हम लोगों ने होम्योपैथिक निःशुल्क कैंप आज लगाया है। और जाँचों को भी हम लोगों ने महत्व दिया है, क्योंकि आजकल डेंगू का वायरस फिर से सुनने में आ रहा है कि फैलने वाला है, तो हम लोगों ने बहुत से मरीजों का परीक्षण भी कराया है ताकि हमको सही जांच मिल सके और हम लोग उनको सही ट्रीटमेंट दे सके। कितना डिस्काउंट दिया गया बाल की जांचों के लिए? अब देखिए, जो बहुत पुअर पेशेंट थे उनको तो हम लोगों ने कोशिश करी कि लगभग 30-40% डिस्काउंट मिले, बाकी जो मरीज पे कर सकते थे वो अपना पैथोलॉजी में जाके पे करेंगे। मैम, किसके उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मैं डॉक्टर आरती मोहन और मैं आरोग्य धाम से संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पंजाब केसरी परिवार की एक सदस्य जी थी श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी, उनकी आज 7वीं पुण्यतिथि है, और उसके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने एक निःशुल्क चिकित्सक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें 100 से ज़्यादा मरीजों को हम लोगों ने सुबह से देखा है। और हमारी यही कोशिश रही है कि उनकी श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर हम लोग अपने तरफ से जितना भी कुछ कर सकते हैं पंजाब केसरी परिवार के साथ और उनकी श्रद्धांजलि को और अच्छा बनाने के लिए और उनकी यादों को हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहने के लिए हम लोगों ने एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है, और उनके परिवार के हमेशा साथ हैं और उनको हम एक अष्टपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं अपने आरोग्य धाम चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन के साथ, और हम आशा करते हैं कि उनकी जो आत्मा को शांति मिलेगी हमारे इस आयोजन के द्वारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।